नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूँ राखी रानी और मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख करके आप समझ रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस मंदिर के बारे में, इसके धरोहर के बारे में मैंने अपने YouTube चैनल पूर्वांचल एक यात्रा पे एक वीडियो डाली थी। जी हाँ, मैं हूँ अभी कर्दमेश्वर महादेव, जो कि BLW के कंदवा गेट पे स्थित है। उस दिन मैंने यहाँ की विशेषताएँ, इस मंदिर के बारे में और बहुत सी जानकारियाँ दी थी, लेकिन उस दिन जो कुछ भी मैं देख करके गई थी वो देख करके काफ़ी तकलीफ हुई थी। यहाँ की परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। हालांकि ये पंचकोसी यात्रा के सबसे पहला पड़ाव है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की हालत बहुत बुरी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ के तालाब की हालत क्या है। और आज है छठ का पहला दिन, महापर्व, यूपी बिहार का महापर्व कहा जाने वाला छठ, जिसका पहला दिन। और यह तालाब है, यहाँ पे छठ पूजा की जाती है, लेकिन इसकी हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ मुझे लगा नहीं कि हाँ यहाँ छठ की कोई व्यवस्था है या फिर कुछ है। तो यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आज यहाँ के ही पुजारी, उनसे चल के जानकारी लेते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं, क्या चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, क्या है क्या नहीं है। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे पूर्वांचल एक यात्रा में। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पारसनाथ गिरी, यहाँ के पुजारी हैं कर्दमेश्वर महादेव के। यहाँ लोग 5 पुजारी हैं, जो कि सबका सम्मिलित हक है। सब लोग नंबर वाइज नंबर अपना दर्शन पूजा अर्चना यहाँ करते हैं। पंडित जी, आज से छठ की शुरुआत हो गई है, लेकिन यहाँ पे ना कोई व्यवस्था दिख रही है, ना कोई साफ़ सफाई है, मतलब ऐसा क्यों है? ऐसा है कि यहाँ नगर निगम के निगम से 2-4 कर्मचारी हो सकता है उतना कर रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तालाब के किनारे सारी सीढ़ियाँ टूटी हुई है, कम से कम 7-8 वर्ष हो गया, लेकिन कितनी बार लोगों अधिकारियों से भी बात हुई, हाँ बन जाएगा, लेकिन आज तक बना नहीं। उसी में फंस करके अगले बार एक औरता का पैर टूट गया था, लेकिन फिर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अधिकारी आते हैं, केवल हामी भर के चले जाते हैं। पंडित जी, यहाँ का जो पानी है वो बहुत गंदा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पानी का कोई निकास नहीं है। चारों तरफ कल्लायर जो है इस रास्ते को बंद करके पैसा अपना बेच करके खाली कर लिए हैं। पहले इसका निकास बहुत था, आज के कम से कम 30-35 वर्ष पहले जो इस तालाब का पानी जो डायरेक्ट यहाँ से गंगा जी में जाता था, इतनी काफ़ी बरसात होती थी, रास्ता साफ था, पानी निकल जाता था। पानी उस समय गंगा जी से भी साफ इस तालाब का पानी था। इस तालाब के अगल बगल लोगों का खाना भी इसी तालाब के पानी से बनता था। हम लोगों की अवस्था उस समय जब 15-14 वर्ष की थी, तो इसी तालाब का पानी जो है हम लोग पी करके इसी मंदिर पर जो है अपना बैठते थे, जो भी राम राम करता भजन वजन करते थे लोग, लेकिन इसका कोई निकास नहीं रह गया है। ये मंदिर के चारों तरफ तालाब के, यह सब तालाब की ही ज़मीन है। यहाँ लोगों ने ज़बरदस्ती अपना कब्जा करके घर द्वार बनवा लिए। धर्मशाले के सामने सब लोगों ने ज़बरदस्ती मकान किराया दे करके बनवा करके उसको किराए पर वितरण करते हैं, लेकिन सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। तो यहाँ के जो मंदिर हैं, इस मंदिर में भी बहुत सी जगह हैं जो कि टूटी फूटी हैं, तालाब की ये हालत है, तो क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई फंडिंग या फिर ऐसा कोई सेवा नहीं आता जिसके कि मतलब इसमें मदद हो सके? अभी मैंने मंदिर पे भी देखे, बहुत सारी चीज़ें हैं वो टूटी हैं, पेड़ पौधे जमे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई आप लोगों के साथ सहयोग या फिर सरकार की तरफ से कोई चीज़ें? यहाँ से हम लोगों के लिए कोई सहयोग नहीं मिलता। पुरातत्व विभाग के अंदर यह मंदिर है, लोग कभी कदा आते हैं, 6 महीना में तो जो काग दूठे घास पास जमा रहता है उसको उपरवा करके साफ कर देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर दर्शन देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। सरकार से जो भी पैसा आता होगा अपना लोग खा पी करके गमन कर देते हैं, और इससे सरकार का यही ध्यान है। पैसा तो ग्रांट हुआ है, लेकिन कब काम लगेगा इस तालाब में कोई भरोसा नहीं। योगी जी भी यहाँ पंचकोसी यात्रा में आए थे, वह स्वतः अपने आँख से देख करके गए हैं कि क्या स्थिति तालाब की है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, मैंने देखा है कि टोटी लगी है, नल लगा लेकिन टोटी नहीं है। कोई पानी की व्यवस्था नहीं, पर्सनल अपना जो है यहाँ जो है समर सेबुल लगाए हैं,
उसका पानी कभी कभी आता है। बंदर अक्सर जो है इस मशीन को बिगाड़ते रहते हैं, लेकिन आदमी कितना बनवाएगा। बात सही है, ये कार्य सरकार को है। लेकिन सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, तो सरकार से आप कोई अनुरोध? सरकार से जो अधिकारी खुदा न कासे आ जाते हैं, उन लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि हो जाएगा, और क्या करेंगे। तो आप लोगों ने जैसा सुना, यहाँ की जो व्यवस्था है, जो जर्जरता है, आप मंदिरों में देख सकते हैं, मंदिर की शिलाएं देख सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ की। यहाँ के तालाब देख सकते हैं, आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और हालात इतने ख़राब हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये थी यहाँ की समस्याएं जो आपने सुनी, और आइए अब हम दिखाते हैं यहाँ की आपको समस्याएं जो कि हैं।